है आप सभी का गुस्ताख इंडियन पे। बहुत टाइम बाद थोड़े से पैसे खर्च किए हैं, 240 मैंने, 240 इसने, और हम पिक्चर देखकर आए हैं एडिया। 3D में पिक्चर देखकर आए। देखिए 3D का स्वाद नहीं था, 3D का बिल्कुल स्वाद नहीं लगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि भेड़िया खराब है। बॉलीवुड का काला टाइम है, जो कि बॉलीवुड के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, उसको मिटाने की कमबैक की कोशिश की है, बहुत प्यारी कोशिश की अमर कौशिक और दिनेश विजन, और साथ में वरुण धवन ने भी। वरुण ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, एक एक सी मुझे अच्छा लगा। वरुण, कुछ स्टारसन ऐसे होते हैं, नेपोटिज्म के कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है जिनको देख के ना बुरा नहीं लगता, जैसे वरुण धवन हुए और आलिया भट्ट हुई, और आजकल तो जानवी कपूर को देखकर भी बुरा नहीं लग रहा है। अच्छा, ये पहली मूवी थी जिसके अंदर वरुण धवन की कॉमेडी को देख के मुझे ऐसा लगा कि ना वो सलमान और ना वो गोविंदा फॉलो कर रहे हैं, वो अपने आप को फॉलो कर रहे हैं। वरुण धवन तो बेसिकली भेड़िया देखकर आए हैं। भेड़िया एक वरुण धवन नाम के लड़की की कहानी है, मतलब पिक्चर में जो भी नाम, क्या नाम, भास्कर नाम, रसोड़े में राशि नहीं, डायलॉग बहुत अच्छे वहां पे। तो भास्कर क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में जाता है जंगलों को काट के रोड बनाने के लिए। अब जंगलों को काटेगा तो भाई जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, और अगर जंगलों को काटोगे तो भेड़िया काटेगा। हाँ, तो जैसे वो जंगलों को काटने के लिए लोगों को कन्विंस कर रहे थे, एक दिन रात में जंगल में उनके पीछे पड़ गया भेड़िया, जहां से हमारी कहानी शुरू होती है कि भेड़िए ने उनको क्यों काटा। हाँ, और उस दिन मैं बता दूं, थोड़ी सी एक स्पॉइलर दे दूं कि उस दिन वरुण भाई ने, यानी भास्कर भाई ने, पर्स नहीं लगाया। जैसे ही पर्स निकला और भेड़िए ने उनका बुड़का मार लिया और जब बुड़का लग गया तो भाई साहब वो हर रोज रात में भेड़िया बन जाता। यार ये कॉमेडी नेक्स्ट लेवल थी, अच्छे डायलॉग बहुत टाइम बाद मिले हैं, बहुत अच्छे डायलॉग बहुत टाइम बाद मिले हैं, क्योंकि भेड़िए को और सुहागन को और शायर को चांदनी रात पसंद है मेरे दोस्त। हालांकि ये इन्होंने टाइमिंग से थोड़ा सा नष्ट कर दिया डायलॉग को, गंदा, पर बहुत अच्छा था। अभिषेक बैनर्जी थे इसमें, दीपक डोबरियाल थे, एक लड़का और था अरुणाचल प्रदेश का, मुझे नाम याद नहीं, पर बहुत अच्छा काम कर रहा था। कृति सेनन, आई थिंक कृति सेनन, अच्छा कृति सेनन अच्छी है, अच्छी है, बट उसका लुक जो है वो कॉपीड है। किसका कॉपीड है यार? वो एक मुझे लगता है बायोहजार्ड करके एक गेम है जिसके अंदर एक लड़की होती है, उसके अंदर कैरेक्टर होती है एना वोंग, उसका पूरा लुक। अरे मेरे को ना चाहे लुक कॉपी किया, लुक कृति सेनन का ऐसा ना जज्बात नहीं जाके उनको देख के, जैसे जानवी कपूर को देख के आजकल जाके, ऐसा नहीं हुआ। मतलब वाइल्ड वॉचिंग भेड़िया मैंने से पूछा था कि दीपक डोबरियाल ने तो विक पहनी है, बोला हां विक पहनी है, लेकिन कृति सेनन को विक पहनाने का कोई मतलब नहीं, समझ नहीं आया। शी इज लुकिंग, शी इज सो गॉर्जियस यार, मतलब विक पहनाने की कोई जरूरत समझ नहीं आ। अब कैसे उस भेड़िए का निजात मिलेगा, ये पिक्चर आपको देखना पड़ेगा। हालांकि जो कौन, क्या नाम है उनका, दिनेश विजन जो प्रोड्यूसर है, वो स्त्री पिक्चर के भी प्रोड्यूसर है, और दिनेश विजन ने ये यूनिवर्स पैदा कर रहे हैं जिसके अंदर आप इमेजिन करिए स्त्री के राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, और भेड़िए के वरुण धवन, दीपक डोबरियाल, कृति सेनन एक साथ आ गए। सब अगर एक साथ आ जाए तो फॉर एग्जांपल समझिए कि एवेंजर एंड गेम बन रही है, बस ये भूत की यूनिवर्स। भेड़िए का फन बहुत ज्यादा था, स्त्री का फन बहुत ज्यादा था, और इसे डबल ट्रिपल चार गुना करने की कोशिश दिनेश विजन बहुत अच्छी करने वाले। देखिए हम आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करते कि पैसा खर्च करो, पिक्चर देखो, आपका हार्ड अर्न मनी को उधर, मैं तो सजेस्ट करता हूँ देखो, पिक्चर वालों को देख लो, पर इस पिक्चर के लिए हम ये पिक्चर आप जाके देख लो, क्योंकि 200 फुल फैमिली एंटरटेनर भाई, 240 रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। 240 रुपए खर्च करते हुए हमें जोर पड़ा, पर बाहर आते हुए थिएटर से जोर नहीं पड़ रहा था यार, मजा। 2.5 घंटे की मूवी आपको बांध के रखती है। और हाँ, इस मूवी के साथ साथ हम आपको एक प्रेडिक्शन और दे देते हैं जो किसी ने नहीं दी होगी, क्योंकि हमने भी अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च टीम बिठाई हुई है, वो वाली, हाँ, तीन लोगों की टीम, ये मैं और हमारा गूगल अच्छा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, अगर आपने देखी होगी स्त्री के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अभिषेक बैनर्जी और अपार शक्ति खुराना जब थे, तो सामने से एक भेड़िए की आंखें दिखी, तो वो उस टाइम का स्पॉइलर था कि भेड़िया आएगी। 3 साल पहले से यूनिवर्स पैदा किया हुआ था, और भाई ये भेड़िया, और भेड़िए के अंदर, हाँ, भेड़िए के अंदर शुरुआत के सीन में कौन आता है? चमगादड़। क्योंकि अगर आप हॉलीवुड की मूवीज देखोगे तो उसके अंदर वेयरवुल्फ को कौन मारता है? वैम्पायर। साचा, हाँ। और चमगादड़ से बनेगा वैम्पायर, और वैम्पायर की भी एक आएगी मूवी, गारंटी अगली सीरीज भाई साहब वैम्पायर की है। पर मैं उनसे गुजारिश करूंगा कोई बड़ा स्टार मत लेना, ऐसे ही वरुण धवन टाइप लड़के लेना, इट्स लाइक नॉट सलमान शाहरुख और वो आयुष्मान खुराना वाली लीग नहीं है, पर वरुण धवन, राजकुमार राव, और ये जो लीग है ना, अभिषेक बैनर्जी, अपार शक्ति खुराना,
दिस इज आउट ऑफ द लीग एज मैन इज नो राजकुमार राव बहुत ही बखूबी एक्टर है और कॉमेडी उन्होंने बहुत करी है, चाहे बरेली की बर्फी देख लो चाहे कोई भी देख लो, कॉमेडी वो बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन वरुण धवन के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो बहुत ही बखूबी है, जैसे कि वो नहीं हो रहा यार लड़का आ गया है, अरे नहीं हो रहा है, अरे हो जाएगा, अरे नहीं हो रहा यार लड़का आ गया भाई साहब। बेस्ट पार्ट एक और तो बता दे क्या, अरे भेड़िया के म्यूजिक देखिए अभी 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 इस ये भेड़िया मूवी का जो एल्बम है वो लॉन्च नहीं हुआ है, दो ही गाने आए हैं, एक तो मेरा कोई ना हो के भी तो मेरा लागे और वो जो जंगल में कांड हो गया, जंगल में कांड हो गया, विशाल ददलानी सुखविंदर सिंह की आवाज में जो आया हुआ है, और अभी जो तीन गाने और थे वो भी बहुत अच्छा। एक गाना गो गोवा गॉन की आपको फील दे देगा, बिल्कुल वही फील है और वो बहुत अच्छा गाना है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है ये गाने को पिक्चराइज शायद उस तरीके से इतना अच्छा ना किया हो, बट मैं तो छोटा सा एक्टर हूँ मेरे को क्या, लेकिन गाना बहुत ही कमाल है और मतलब पिक्चर भी अच्छा है, पिक्चराइज अच्छा है, मतलब एल्बम आएगा अभी जो लॉन्च होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल ट्रैवल सॉन्ग है, बिल्कुल ट्रैवल सॉन्ग, मजेदार काम किया है। तो दोस्तों गुस्ताख इंडियन इस पिक्चर को 5 में से 4.5 से कम नहीं भाई, 4.5 भेड़िया के लिए प्लीज गो एंड जस्ट वॉच इट। कमेंट में डेविड धवन को प्लीज टैग कर दीजिएगा, अगर हमारी एक्टिंग अच्छी लगी तो वैम्पायर हम भी बन सकते हैं। नहीं आप उनको टैग कीजिए, बोलिए उनके लड़के ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने में बड़ा मजा आता है, हमने भी करके देखा है बहुत लोगों, अरे यार वो तो दबाने में बहुत ही मजा आता है, बहुत मजा आता है, बेल आइकन आप दबाइए फिर पता चलेगा आपको। ओके बाय।